कुछ ना, अब्बा कैसे आपने मुश्किल आ गई है? पूछिए। अच्छा बतावे। हाँ मैंने कहा भाई हमने खानदान तबाह करवा बैठा। अच्छा और जो है अब हमें इतने आइए कि आगे बैठा जीते कि बैठा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वकास मेवाती यूट्यूब चैनल और फेसबुक को भी लाइक करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वकास। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास मेवाती और आप देख रहा हूँ वकास मेवाती यूट्यूब चैनल। आज मैं गांव लील में, जिला जो कसूर है चट्टियावाड़ा के पास है, माशाल्लाह यह गांव में भी तीन चार जो बुजुर्ग हैं जो हिंदुस्तान से आया है वे यह गांव में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा गांव है। और मजीद बाबा से पूछूंगा या ये गांव का हवाला सो भी कितनी गोत हाँ, कौन कौन सी गोत का या मैं अपने हिंद मौजूद हाँ अपना मेवाती भाई और बाबा से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम बाबा, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत हो? अच्छा, जब आप जो आपका वालिद साहब जब हिंदुस्तान से आया हा, तो आप लोग कहा बतावे के हम इन कैसे हमारी जिंदगी जब हम आया ही न, तो कैसे गुजर बसर हो, मुश्किल आई या आसानी से हो सब? देखो जी बात है, जब तो टाइम सारे मुश्किल कोई। अच्छा, और बाकी चीज है कि चलते चलते तो रास्ता में कुछ ना कुछ हो ही जा रहे हैं, वक्त बदल गो। हाँ चलता रहा आता रहा, जैसे वक्त आता रहा वैसे गुजर गए। अच्छा बाकी तो वही हम कितना घर होगा मेवाते इनका? अब जब अब भी और जब भी, जब तो है हाँ 100-200 से ही घर। अच्छा अब हजार का हिसाब से 1000-1500 घर होया पड़ा। हाँ पढ़ लिखा भी मेवा पढ़ लिखा। कौन बाबा जो है अपने यहाँ में कौन कौन सी गोद का और आपकी गोद कौन सी है? और इंडिया में से जो आप आपको वालिद साहब आए हो इंडिया में, वहाँ को गांव कौन सा हो? भंगो बाबा को गांव है भंगो। अच्छा और गोद का है? डेंगड़ बाबा को गोद, डेंगड़ गोद, डेंगड़ की पहाड़ बड़ी है। अच्छा और हम तो आके यहीं आके बस गए, या गांव में भी एक अकेला बसा, कोई और कोई काम ना है। मोचिन के और एक सक्कान के। अच्छा एक लोहार के। हाँ हाँ, अब भी सक्का लोहार भी छोड़ छोड़ के चला गए। हाँ और सब ऐसे ही बस रहा, कई तरह का आया पड़ा। तो यह गांव में कौन कौन सी गोद का लोग है? हमें एक ही गोद का देंगे, देंगड़िया ज्यादातर। हाँ सब देंगे ज्यादातर। अच्छा भाई, ये यहाँ में पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो गांव है मोए भी, सही जो मैं बात बता रहा हूँ, मेरे करीब ये गांव दूर ना है मोए भी, यह बात को आज ही इलम हुए है कि सबसे बड़ो गांव जो है यू देहंगड़न को गांव है। देहंगड़ की तो वैसे भी पहाड़ बड़ी है और देहंगड़न को यू सबसे बड़ो गांव है। और यह गांव को लंबरदार भी हुए पंजाबी में हुए भी वो भी देहंगड़ी है, वो भी देहंगड़ी हमने से ये दोनों दो। अच्छा। लोग लंबरदार हैं। हाँ एक पहले गांव के बीच में रहा। अच्छा यह गांव में पंजाबी नहा जब ये आया। अच्छा ये तो पहले का वो है जनाब, यू भाई भी है और आपको नाम क्या है भाई? तारिक भाई। तारिक है भाई, तारिक जो आपको जो वालिद साहब है आर्मी रिटायर है, तो माशाल्लाह सो मेवाती कौम में जैसे नुके वहां हमने कभी कही की मजदूरी ना करी और हम नौकरी पसंद ना करा। और आपको जो गांव है कभी ऐसा होइए कि जैसे आपस में भाई शादी हुआ जब, अब पहले कुछ और हिसाब किताब हो, आपकी भी माशाल्लाह 50-60 साल उम्र हो गई, अब कहा हिसाब किताब कहा के अपनी मैं उनको हम लोग कहाँ पे काम देना चाहो? आप भी बहुत लोग देखूंगा यही देना चाहा कि रल गया रहा। हाँ भाई मैं तो दो मोटरसाइकिल लूंगा, तीन लूंगा, मैं तो कार लूंगा, अब यू कहा हिसाब किताब चल गो? मरला बिक रहा हूँ सभी बाढ़ भी बगैर माया कोई कौन ले रही, कोई बिना ले रही। लेकिन हाँ हम अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते रहे वहां का नुके वहां बात दहेज बंद करो ना, लेकिन आप यह बार हम कहा कहना चाहो? ना ना यार बार हम दहेज तो चल रहे है, दहेज कहाँ बंद है? हाँ दहेज के बगैर तो कोई और ना उड़ रहा है। ये तो देखो ना इंडिया से चलो आ रहो, खासकर हमारी मेवाती कौम में शुरू से ही चलो आ रहो है। तो अब जैसे आपको गाँव इतना बड़ो गाँव है और मो लगे है यू कसूर एरिया में, कोई अलाहौर एरिया में इतना बड़ा गांव ना है देहंगड़न को? ना है कोई ना है ना, ना। तकरीबन 1500 या 1800 2000 करीब इतना घर तो होगा ना? 2000 के तो ना पर ये 1500 घर। हाँ जो जो आपको गांव है। हाँ हम 1500। हाँ
अच्छा बाबा, जब आपका वालिद साहब हीन आगा हा तो वो पाकिस्तान से जब हीन आया हवे तो आपने कभी पूछी ना कि अब्बा कैसे आपने मुश्किल आ गई है? पूछी। अच्छा बतावे हा। हाँ मैंने कहा भाई हमने खानदान तबाह करवा बैठा। अच्छा और जो है अब हम इतने ये कि आके बैठा जितने के बैठा। तो जो है आप कभी गया हो इंडिया गया कि ना? गया ना गया। आपको वाली साहब गयो? ना गयो ना गयो ना गयो तो अल्लाह के चलो। तो हूं आपका कोई चाचा ताऊ हंगा सब क्या है? भंगो बसरो से कहता हूं। अच्छा तुम्हार कौन वो है? गो हूं नाम है हमारा। अच्छा तो उनको है उनसे राब तो है उनसे जो वहां के ब्याह शादी में हो? वैसे तो कहां रात तो है ना? ना मैं करूं वैसे उसको कभी रात तो हो आपको? ना मेरा बना ही नहीं। यही बाबा ये है बाबा कभी रात तो हो? तो आप तो हुए हो पहले आज से 5-7-10 साल पहले। अच्छा जब बाबा पासपोर्ट से आया बिहार में और गया बिहार में बाद में नहाया बस बाद में नहाया वे। ये कौन सी सन की बात है? ये सन मेरा ख्याल है कि आप कौन सा जा रहे हो? 2024 तो 20 को वर्ड रोड के लगा ले। 4 साल होगा उन्होंने। 4 साल होगा उनने। यानी कि ताजा ही बात ही थे, पुरानी बात ना है। 6-7 साल हो गए। हाँ 4-5 साल हो गए। अच्छा कहा हूँ जो गांव में यहाँ कहाँ कहाँ नाम है उनको? अमीन है बस भाई ये जाना हम तो थोड़ा बहुत और को तो कहीं को कुछ ना आया उनको पता जाना खबर। अच्छा और कहा कहीं जाने कहा करे कहा ना करना कुछ ठीक है को पर। गांव को नाम दोबारा बताए मुल्क को। भंगो 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 गांव है जो हिंदुस्तान में है जहाँ में बाबा का जो है चाचा ताऊ का छोरा रहे वहाँ। और तुम लोग इंशाल्लाह वीडियो में नंबर भी दे दूंगा। उन लोगों में बहुत भर सलूक हो और एक दूसरा की वेलकम करे हवे। अच्छा और चाहत भी रखे हर जगह के ब्याह बद्दू हो वहाँ में भी चले है सारा काम कोई मुसीबत आ गई वहाँ में भी चले है। जब बाबा आप हीन आगा तो आपने नौकरी कौन सी करी है और कहा अपनों काम को हिसाब किताब? नौकरी हमने कुछ भी ना करी, नौकरी सिर्फ यही करी कि फौज में भर्ती होगा। अच्छा फौज में? पाकिस्तानी फौज में। पाकिस्तानी फौज। अच्छा बस हमने इस बात अब यहीं आके नहीं यह हाल में पढ़ना पड़ो। सही यानी कि जो है बाबू है जो पाकिस्तान की फौज को रिटायर जो है माशाल्लाह साहब देख रहा हूँ पाकिस्तान में मेवाती कौम ने भी बड़ी तरक्की करी है। अच्छा जब आपका दौर में भी यूँ जब आप पाकिस्तान में भी आगा हा तो यू सिस्टम हो गई भाई 3 दिन बारात रुकी? हाँ 3 दिन बारात। 3 दिन बारात रुकी? 3 दिन बारात रुकी। हाँ और तीनों टाइम जो है साहब को उनको देखभाल करी जा रही। जो 3 दिन बारात रुके ही तो वहाँ में जो जाके बेटी को या बेटा को ब्याह रह वे हो वो कल ही वक्त खर्चा करे हो या गांव वाला भी वक्त साथ मदद करे? वक्त के साथ चलना पड़े हो जैसे अगर वो कर सके हो। हाँ तो आए वो अकेलो करे हो। अच्छा ना कर सके हो। हाँ तो गांव में लोगों की मदद करे, गांव वाला फिर मदद करे या बाकी गाँव की मदद, यानी कि इतना एहसास हो। हाँ तो जब जैसे अब सुना कि भाई मेऊ पंजाबी इनकी कदी ना बने ना बने जैसे अपन ही जैसे आपका गांव में है या लील गांव में कुछ पंजाबी और कुछ मेऊ रह गया मैं उनकी पंजाबी इनकी बनी सदा कभी ना हुई हेन भाई आप हेन पंजाबी हो ही कोई बिना हेन एक लोहार को घर हो। अच्छा एक मोचिनो घर और एक सक्कान को घर। हाँ ये 3 घर हैं और कोई भी हेन मेव ना संभव मेव संभव। अच्छा यू तकरीबन कितना बड़ा गांव हो? और भाई राब तो जरूर करियो इंशाल्लाह मजीद मिलूंगा अगली वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर देख रो सारा मेवात में हिंदुस्तान पाकिस्तान में और या वीडियो फैला दे बहुत दूर दूर जाके नहीं स्पेशल बुजुर्गों ने तलाश करके फिर उनकी वीडियो ने बनाऊ हूँ। ये हमारे मारे ऐसा बुजुर्ग हाँ जो इन पे ऐसी इलम वाली बात हाँ जो हमने जिन बातों को पता ही ना है। मैंने जितनी मेवाती सीखी है ऐसा बाबान से सीखी है जितनी भी मेवाती सीखी है और माशाल्लाह मोह तो अपनी मेवाती कौम से प्यार बहुत है और हर बंदा ही होना चाहिए और हमने तो यह बात की खुशी भी बहुत है कि हम मेवाती हाँ। इंशाल्लाह मिलूंगा अगली वीडियो।